चुनाव में लोग हिस्सा लेंगे, वोट डालेंगे, अपने मनपसंद प्रार्थी को जिताएंगे, प्रत्याशी को, और मुखिया चुनेंगे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस पंचायत के चुनाव को एक जंग बन चुका। चुनाव की घोषणा से पहले यह शुरू हो गया बम बांधना, बम का कारखाना। 22 लोग तृणमूल के कार्यकर्ता मारे गए, चाहे पिंगला में हो, असुक्ति में हो, चाहे गोसावा में हो, चाहे उत्तर बंगाल में हो, चाहे दक्षिण बंगाल में हो। दादा, गांव के लोग अपने अपने बूथ से अपने पसंद के मुताबिक प्रत्याशी को जिताएंगे। जिताएंगे, लेकिन यहां पे 2018 में आप जानते हैं इस पानागर के बाजार के लोगों को नए तरीके से बताना नहीं पड़ेगा। गुंडागर्दी, मौतें हुई, क्यों हंगामा होता है, वोट क्यों लूट करते हैं, 5 साल अपने लूट के कारोबार को बरकरार रखने के लिए। पहले जनता के अधिकार है वोट डालना, उसको वो लूटते हैं। वोटर अधिकार लूट करे करो, वो लूटेर भूखते हैं, लूटे पंचायत चोरी है। और एजेंडा हमारा बोले से बार लुटेरा तारिये आबार मानुषे पंचायत हमारा फेरत आनते चाहिए। जब ज्योति बासु की सरकार बनी थी 1970 में, आप लोग भली बात ही जानते हैं, हमने बंगाल में पंचायत के ये सिस्टम चालू किए। ज्योति बासु कहा कि पंचायत से सरकार चलेगी, राइटर से नहीं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर के बोली लूट सिर्फ नवन्नों से नहीं चलेगी, हर पंचायत में लूट होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से लूट को दखल कर लिया गया। और इसी तरह से आज देखो हमारा चीफ सेक्रेटरी, पंजाब का चीफ सेक्रेटरी, हमारा चीफ सेक्रेटरी, दोनों 30 जून को रिटायर करना था। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बोला नहीं एक्सटेंशन नहीं होगा, पहले बोल दिया। और ममता के चीफ सेक्रेटरी को ममता फोन की और मोदी जी बोले ठीक है एक्सटेंशन कर दो 6 महीने का। समझ में आ रहा है कुछ? ममता जी बोलती है, मोदी बोले कि ममता हमें कुर्ता भेजती है और हम भी उसको साड़ी भेजते हैं, लेकिन हम कुर्ता, हमें वो कुर्ता भेजती है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ममता को हम साड़ी भेजते हैं, ये बात ममता बोलेगी नहीं। दोनों में कितना फर्क है, समझ रहे हैं? अच्छा, हम लोग ये कुर्ता पहनते हैं तो दर्जी के पास जाके तो माप देते हैं ना। सब लोग बोला 56 इंच आती है, हम सब जानते हैं मोदी का 56 इंच आती नहीं है। और मोदी जो पहनते हैं एकदम टाइट फिट, स्लिम फिट पहनते हैं ना, फिट फाट। तो जब ममता बनर्जी कुर्ता भेजती है तो मोदी जी का माप कहां से लेती है? इसका मतलब दोनों का मापा हुआ है, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहां आकर के सड़क में दिखाते हैं कि देखो कितना लड़ाई हो रहा है, कितना उठा पटक हो रहा है, तारीख पे तारीख हो रहा है। कोयला पाचार के मामले में सीबीआई के लिस्ट से बाहर कर दिया। और इसलिए आज मेहनती जनता, जहां रोजगार का सवाल है, किसान को अपने अनाज का कीमत का सवाल है, आज चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, कीमत बढ़ा है, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, चाहे वो खाने का तेल हो, पकाने का हो, या गाड़ी में डालने का हो, या पंप सेट में डालने का हो, या डीजल इंजन में डालने का हो, गाड़ी, ये सब का कीमत बढ़ रहा है। कौन बोलेगा? सब्जी का कीमत, महंगाई इतना बढ़ रहा है, मानुषेर आय कमछे आर व्यय बाढ़छे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों जीएसटी 50-50 में बांट ले रहा है। मोदी जी बोले थे जीएसटी आएगा तो कारोबारी का बहुत फायदा होगा और कीमत कम जाएगा। कितना झूठ बोला जाता है, जीएसटी का उदाहरण है। और बीजेपी के खिलाफ तृणमूल नहीं है, तृणमूल के खिलाफ बीजेपी नहीं है। आप एक होटल में भी खाओगे, कपड़ा भी खरीदोगे तो जीएसटी का जो मिलेगा आपको बिल, उसमें देखिएगा 50-50 है। अगर 18% है, 9% आईजीएसटी मतलब इंडिया गवर्नमेंट का, और 9% एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का। वो बिस्कुट होता है ना, आधा मीठा आधा नमकीन, 50-50। वैसे ये बीजेपी और तृणमूल का ताल्लुक है, आधा मीठा आधा नमकीन। ये लोग बोले वाम मोर्चा तो खत्म, लाल हटाओ देश बचाओ, लाल हटा लेकिन देश बचा नहीं। दिल्ली में मोदी का लूट और बंगाल में दीदी का लूट। कोई निवेश हो रहा है? वाम मोर्चा के जमाने में इसी पानागढ़ इलाके में, इसी कांसा ब्लॉक में
इंडस्ट्रियल पार्क बना। या किसको दे रहे हैं? उसी गरीब लोगों को कि चलो अगर रुपया बन। अरे आवास योजना में जिसको घर मिलना चाहिए था उसका घर नहीं मिला, यहीं पे वो डिबिया ना आपका एक अंचल है यहाँ पे, जहां सबसे ज्यादा वोट लूट हुआ, विरोधी पक्ष को नॉमिनेशन जमाने दिया गया, वहां आवास योजना में कोई गरीब का घर भी नहीं बना डिबिया में। लूट किस लिए होता पता चलता है ना, जिसका दो तल्ला तीन तल्ला का मकान है वो उसके ऊपर और एक मकान बना रहे हैं, और जिनके पास जहां माथे छाप नहीं या घर दरकार से घर पच्चना। झगड़ा किस बात की है बीजेपी और तृणमूल का? मोदी कहते हैं कि हमारा नाम और तस्वीर लगना चाहिए, ममता कहती है हमारा नाम हमारा तस्वीर लगना चाहिए। चाहे सड़क योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे कोई भी हो, ये नीतिगत के उनका चोरी का धांधली का कोई विरोध नहीं है। इसलिए 2014 के बाद से बंगाल में और भी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा। शिक्षक का भर्ती आप जानते हैं, ये जो 500 अब्बा का जितने रुपए का पहाड़ निकला कहां से आया वो पैसा? पूरा वैक्यूम मशीन लगा करके पूरे बंगाल के गांव से रुपया को निचोड़ करके निकाला गया, और वो तृणमूल के घर में पलंग के नीचे, बिस्तर के नीचे, बाथरूम में, बस्ते में, ड्रेन के पाइप में वो भरमार पड़ा हुआ है। ये जो नाम ना बोलना, चोर भरो जेल भरो। अच्छा, हम तो किसी पार्टी के नाम में नहीं बोले, हमने कहा चोर पकड़ो और जेल में डालो, पुलिस का काम था। देखा गया तृणमूल और पुलिस दोनों मिलकर के बोला क्यों बोलते आप चोर पकड़ो? अरे ये कानून है, जब ये पुलिस को, बंगाल के पुलिस को चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के मरना, चूंकि ये जब भ्रष्टाचार सामने आया तो हाईकोर्ट क्या बोला कि ईडी सीबीआई को बोला, सीबीआई को इंक्वायरी करो, ईडी को बोलो क्यों, डीजीपी मालव्य को क्यों नहीं बोला, पुलिस कमिश्नर को क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला एसपी को क्यों नहीं बोला? चूंकि ममता के जमाने में ये कौन पुलिस है और कौन टीएमसी का गुंडा है पता नहीं चलता, वर्दी पहना हुआ गुंडा है या तृणमूल का झंडा पकड़ा हुआ पुलिस है वो पता नहीं चलता है।